हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आपके सामने अगर स्प्लिट एसी है और स्प्लिट एसी में क्या होता है बार बार मतलब पानी गिरता है मॉइस्चर बनता है और पानी साइटों से गिरता है लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से या फिर बीच में से कहीं से पानी गिरता है तो आपके सामने भी अगर पानी गिरता है तब तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप एक चीज़ आप ध्यान रखें अगर पानी गिरता है तो वहाँ पे तो आप सबसे पहले इसका जो ऊपर जैसे एसी है वो ए को आप देख लें कि पानी किस साइड आ रहा है ठीक है उसके बाद आपको ठीक करना है वो मैं आपको तरीका बताऊँगा कि क्या रीज़न होते हैं क्यों गिरता है वहाँ से पानी तो आपको सबसे पहले ये ड्रेन पाइप होता है इसको देख लेना है कि ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब आपके फिल्टर डस्टी होते हैं फिर उसके बाद जो ट्रेन ट्रे होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है जहाँ से पानी ऑट होता है वहाँ पे क्या होता है डस्ट जम जाती है इसी वजह से वो ब्लॉक मतलब ब्लॉक कर देता है जो एरिया होता है पानी वाला तो आप एपोरेटर देख लें वो गंदा नहीं होना चाहिए आपका फ़िल्टर छोक होंगे तब भी ये दिक्कत आएगी कि आपका पानी गिरेगा और ब्लोर मोटर है वो भी देख लें आप गंदा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब एपोरेटर आपका बहुत ज़्यादा डस्टी होता है तो आपके जो ट्रे होती है ड्रेन ट्रे जहाँ से पानी आउट होता है वहाँ पे एक होल होता है ठीक है वो होल ब्लॉक हो जाता है इसी वजह से ये दिक्कत आती है तो आप बैक साइड जो ट्रे होती है उसको भी देख लें कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक नहीं हो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अगर बैक साइड जो ट्रे होती है अगर वो गंदगी होगी उसमें ब्लॉक हो जाएगी तो दिक्कत आती है ये बाकी ये जो पाइप होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं इसमें क्या होता है जब गैस रन करती है तो मॉइस्चर बनता है अगर आपकी इंस्टोलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लगी होगी तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पानी गिरेगा मॉइस्चर बनेगा तब तो दिक्कत आती है अंडरग्राउंड में क्या होता है वहाँ पर वहाँ पे अगर इंसुलेशन नहीं लगी होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा और पानी गिरेगा ठीक है तो आप इसको चेकआउट कर लें कि इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए फिर उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका एसी जो है वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए अगर एसी मतलब राइट हैंड साइड से अप है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से अप है तो वहाँ पर क्या हुआ एक साइड आपका पानी गिरेगा तो आपको देख लेना है कि प्लेट जो है एकदम मतलब जो प्लेट है वो अच्छे से लगी होना चाहिए उसके बाद आपको देखना है जो बैक साइड है बैक साइड में आपकी जो ट्रे होती है वो ब्लोर की साइड जो पानी जहाँ से गिरता है तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि वो ठीक से होना चाहिए और हो। उसके बाद आपको देख लेना ये जो ट्रे होती है कहीं से क्रैक नहीं हो या कहीं से चटक नहीं गई हो इस वजह से वहाँ पे पानी आता है तो आपको ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए ब्लोर के नीचे भी ये चीज़ मतलब कहीं से क्रैक हो जाती है तो वहाँ से मतलब ट्रॉफ़ गिरते हैं जो पानी के होते हैं तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है तो आपको स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेना इसके बाद आपको जो पानी आ यहाँ से गिरता है बैक साइड से दोनों साइड तो आपको ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बैक साइड जो होती है गंदगी आ जाती है तभी वो ब्लोर की साइड पानी गिरने लगता है तो आपको ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहाँ पे आपका जो ट्रे है बैक साइड वो डस्टी नहीं हो अगर डस्टी हो तो उसको आपको क्लीन कर देना अच्छे से जिससे कि कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर अगर आपका जो ब्लोर मोटर है वो बहुत ज़्यादा डस्ट है उसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है और आपका जो ए सी है एकदम अच्छे से फिर जब क्लीन हो जाएगा तो पानी की शिकायत नहीं होगी मोस्टली hmm. जो भी होता है आपका ड्रेन वाला जो पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है तभी ये दिक्कत आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेकआउट कर लें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सामने जो एसी आपका मतलब लगा है उसको आप देख लें जो प्लेट है हमारी सेंटर में होना चाहिए अगर थोड़ी बहुत भी अप डाउन होगी तो वहाँ पे क्या होगा आपका एसी में जो पानी है वो अंदर गिरेगा ठीक है अंदर पानी गिरता है यही रीज़न होते हैं तो स्टेप बाई स्टेप ये सारी चीज़ आपको चेकआउट कर लेना चाहिए एक रीज़न और है वो आप और समझ लें कि आपका जो स्प्लिट ए है वहाँ पर क्या होता है अगर बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ठीक है नॉर्मली मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठीक है और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है ठीक है आपने ए ऑन किया तो वहाँ पर क्या होता है उमस सी बनती है तब भी पानी वहाँ पर गिरता है तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं होती है बस पानी गिरता है टेम्परेचर वहाँ पे आप प्लस कर देंगे थोड़ा तो पानी नहीं गिर तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर लें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगे अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूज एट के है चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फॉर वॉचिंग